क्या आपको लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? खैर, इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप गुड डेब्ट और बैड डेब्ट के बीच डिफरेंस समझते हैं या नहीं। देखिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लोग अक्सर लोन लेते हैं, तो इसका कारण क्या है? ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग फैंटम इनकम क्या है? तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ये है 23 साल के सिद्धार्थ, जिन्हें रिसेंटली जॉब मिली है और उनकी सैलरी 18,000 रुपये है। सिद्धार्थ यंग है, स्मार्ट है और उसे ट्रेवल करना पसंद है। वो हमेशा से एक स्पोर्ट बाइक रखना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ ने कई किताबें पढ़ी। वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस जानते हैं, इसलिए वो हर महीने इंडेक्स फंड में 2,000 रुपये इन्वेस्ट भी करते हैं और बाकी के पैसे से वो अपने एक्सपेंस को कवर करते हैं। और वह जो बाइक चाहते हैं उनकी कीमत कम से कम 2 से 3 लाख रुपये है। वो सोचते हैं कि वो बाइक तभी खरीदेंगे जब उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। वह हार्ड वर्क करते हैं और 2 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाता है, तो अब उनकी सैलरी 25,000 हो जाती है और उसकी उम्र 25 साल है। अब जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है, वो अपनी फेवरेट बाइक परचेज कर लेता है और 7,000 जो उसकी अतिरिक्त इनकम थी, उससे वो 3 साल तक का उस बाइक की EMI चुकाता है। लेकिन उसे अपने खर्चों में डिफिकल्टी होने लगती है, क्योंकि उसकी बाइक महंगी होती है और मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। इसलिए वो एक्स्ट्रा कमाने के मेथड सर्च करना शुरू कर देता है और वह अगले साल अपनी जॉब बदल लेता है और वो एक बेटर पोस्ट के लिए दूसरी कंपनी में चला जाता है, जहां उसकी सैलरी 30,000 है और अब वो 26 साल का है। अब इस एक्स्ट्रा 5,000 का क्या किया जाए? इसमें से 3,000 उसके खर्च में चले जाते हैं, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। और वो बचे हुए 2,000 से EMI पर एक नया मोबाइल फोन परचेज करता है। अब उसे लगने लगा कि यह रकम भी कम है और वह हार्ड वर्क करता है और अपना खुद का एक साइड बिजनेस शुरू करता है। अपनी जॉब करने के लिए दूसरी सिटी में चला जाता है और वह 4 साल के भीतर 30 साल का हो गया और उसकी सैलरी 60,000। अब क्योंकि उसके सभी फ्रेंड्स अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे घर बनाना और कार खरीदना और यहाँ तक कि ट्रेवलिंग करना, और वह इस सिचुएशन से मैच करने के लिए वह एक छोटी कार भी खरीद लेता है और वह होम लोन पर एक छोटा अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदता है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए पर्सनल लोन भी ले लिया। अब उनकी 60,000 की इनकम में से 40,000 रुपये सभी के सभी EMI में चले जाते हैं और बाकी के 20,000 से वो अपना और अपने परिवार का खर्च चलाता है। अब 7 साल पहले जब उनकी इनकम 18,000 थी, तब उस पर कोई लोन नहीं था और वह 2,000 इन्वेस्ट भी कर रहा था, लेकिन आज उसकी इनकम 60,000 है, लेकिन लाखों का लोन उनके कंधे पर है और वह केवल 2,000 का ही इन्वेस्टमेंट करता है। तो यह है एक मिडिल क्लास पर्सन की लाइफ, जो जीवन भर दौड़ता रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। अब अगर सिद्धार्थ ने इनकम के साथ साथ ढेरों लोन लेने की बजाय अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया होता, तो 30 साल की उम्र तक उनके पास ये सारी चीजें होती जिनके लिए वो अब तक EMI चुका रहे हैं। अब ये तो हुआ बैड डेब्ट का एग्जांपल। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी आगे कहते हैं कि कर्ज एक दोधारी तलवार है। कर्ज आपको रिच बना सकता है और फिर अचानक कुछ बदल जाता है तो वही कर्ज आपको गरीब और बहुत गरीब बना देगा। लेकिन अगर आप लोन लेना ही चाहते हैं तो अच्छा लोन लीजिए, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिया। जब रॉबर्ट 20 साल के थे, तब वह एक पोस्ट कार खरीदना चाहते थे। वो अपनी जॉब में अच्छा अर्न कर रहे थे, जहां वह एक जेरोक्स कंपनी में सेल्समैन थे, लेकिन अपनी सेल्स कमीशन यूज करके पोस्ट कार खरीदने की मंथली पेमेंट करने की बजाय उसने इस पैसे का उपयोग कुछ संपत्तियों को खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करने के लिए किया और बाकी का लोन ले लिया। लेकिन उन्होंने कार तभी खरीदी जब उन्हें अपने किराए की संपत्तियों से इतनी इनकम प्राप्त होने लगी जिससे लोन का पेमेंट किया जा सके और उसके पोस्ट कार के मंथली EMI को कवर किया जा सके। दोस्तों, हम भारतीय कर्ज लेने से डरते हैं, हम EMI पर कुछ भी लेने से बचते हैं, लेकिन लोन दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड लोन और दूसरा होता है बैड लोन, जिसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बैड लोन है डाउनवर्ड स्पाइरल, अगर आप वहां फंस गए तो आप नीचे की ओर चक्कर लगाते रहेंगे। गुड लोन अपवर्ड स्पाइरल है, जहां आप चक्करों में ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि बैड लोन से कैसे बचे। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि किसी ने आपको एक 3D मूवी के लिए IMAX टिकट दिया है, वह भी एक रिक्लाइनर टिकट जो कि सबसे महंगी है, वो आपको फ्री में दी है और आप इस मूवी का लंबा समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इसमें आपका फेवरेट एक्टर है और इसे एक फेमस डायरेक्टर ने बनाया है जिसका काम आपको बेहद पसंद है। लेकिन फिल्म देखने जाने से पहले आपका कोई दोस्त आ जाता है और कहता है कि यार, यह फिल्म उतनी खास नहीं है। दरअसल आप भी YouTube और Twitter पर रिव्यू चेक करते हैं और वहां से आपको पता चलता है कि वाकई में ये फिल्म किसी को पसंद नहीं आ रही है। हर कोई फिल्म को क्रिटिसाइज ही कर रहा है और इसी के साथ ही आपके शहर में पूरे दिन बारिश होती रहती है
और जब आपके थिएटर जाने का समय आया तो बारिश और तेज हो जाती है। अब आप ही बताइए कि ऐसे में आप क्या फिल्म देखने जाएंगे या आप इसे कैंसिल करने के बारे में सोचेंगे? अब क्योंकि यह फिल्म उतनी अच्छी भी नहीं है, जब OTT आएगी तब देखूंगा, और वैसे भी ये एक फ्री टिकट तो थी। अब जरा सोचिए कि अगर आपने इतना महंगा टिकट खरीदा होता तो आप क्या करते? फिर खराब मौसम और खराब फिल्म के बावजूद अगर आपने महंगा टिकट खरीदा है तो आप डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि आप पहले ही पैसे खर्च कर चुके हैं, और आप थिएटर तक पहुंचने के लिए आप पेट्रोल डालकर ड्राइव करके मॉल पहुंच जाएंगे। आपको वहां खाना भी मिलेगा। पैसों को बर्बाद होने से बचाने के लिए आप ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, और ऑथर के मुताबिक इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहा जाता है। ज्यादातर मिडिल क्लास और पुअर लोग अपने पैसों को बर्बाद होते नहीं देख सकते। अगर उन्होंने किसी चीज पर पैसा खर्च किया है तो उस पैसे को वापस पाने के लिए वो ऐसे कदम उठाते हैं जिससे उन्हें भविष्य में और अधिक खर्च करना पड़ता है। एक बेड लोन को चुकाने के लिए वो दूसरा लोन ले लेते हैं, और इस लोन को चुकाने के लिए वो दूसरा लोन ले लेते हैं। बस तो इस तरह से आप बेड लोन के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि गुड लोन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।